सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ, मैं नामिका। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने शनिवार को दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। अपराधियों ने शनिवार की देर शाम हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी मोहन साह के आभूषण दुकान से 1 करोड़ से भी अधिक के जेवरात लूट लिए। लूट की इस घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब बाजार में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में स्विफ्ट कार से 6 बदमाश पहुंचे, हथियार के बल पर दुकानदार को बंधक बनाकर के लूटपाट की। लूटपाट की सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पिछले 28 अगस्त को भी अपराधियों ने इसी बाजार में सवर्ण व्यवसायी से, यानी कि सोने के व्यवसायी से लूटपाट की थी और 3.5 किलो सोने के जेवरात लूट लिए थे। लेकिन इस मामले में पुलिस ने सोने के साथ साथ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। पिछले 28 अगस्त को भी अपराधियों ने इसी बाजार में, आपको बता दें कि जिस तरह से लूटपाट की घटना हुई थी और जो चोरी करके वो लोग जेवरात ले गए थे, लेकिन पिछली बार पुलिस को कहीं ना कहीं कामयाबी मिली थी और पुलिस ने सोने के साथ साथ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एक बार फिर से तेघड़ा बाजार में ही दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट की घटना से व्यवसायियों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। बताया जाता है कि बदमाशों ने दुकान में रखा लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। अब एक बार फिर से तेघड़ा बाजार में ही दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट की घटना से व्यवसायियों में काफी ज्यादा आक्रोश हो गया है, पुलिस के प्रति ज्यादा आक्रोश है। स्विफ्ट कार का गाड़ी है, व्हाइट में, जिसमें नंबर प्लेट पीछे नहीं था। देखिए, मैंने शटर गिरा दिया था। क्या क्या लूटा है? जो था लमसम सब लूटे लिया। लगभग लगभग कितना? आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना है वो तेघड़ा बाजार की है और लगातार देखा जाए तो इस तरह की जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ दुकान से लूट की घटनाएं घट रही हैं, जांच पड़ताल भी चल रही है। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन उक्त घटना में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, यानी कि अभी तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ना तो अपराधियों से जुड़ी कोई भी बात सामने आई है और ना ही पुलिस अभी तक जिस तरीके से छानबीन कर रही है, लेकिन सामने उनके हाथ में जो चीज आनी चाहिए थी वो अभी तक कुछ भी नहीं आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।